वहीं खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसएस और बोको हराम से की। खुर्शीद की ये थ्योरी कांग्रेस के कई नेताओं को भी हजम नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी उनके समर्थन में उतर आए और ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। संकेतों में सलमान खुर्शीद के विवादास्पद बयान का बचाव करते हुए राहुल गांधी क्या सेल्फ गोल कर चुके हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते वक्त राहुल भूल गए कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती, तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नए नाम की क्या जरूरत। दरअसल हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी थ्योरी देते वक्त राहुल सलमान खुर्शीद के उस बयान के समर्थन में खड़े दिखे, जिसमें खुर्शीद ने दुनिया के दो बड़े क्रूर आतंकी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम की तुलना हिंदुत्व से की है। लेकिन मसला खुर्शीद के बयान या राहुल के उनके समर्थन का नहीं है, सवाल ये है कि इस बयान की जरूरत क्या थी। सवाल ये है कि राहुल खुद को बड़ा सेक्युलर साबित करने और एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मसालेदार मुद्दा थमा दिया है। ये सारे सवाल इसीलिए क्योंकि सलमान खुर्शीद ने जो किताब में लिखा है उसे लेकर कांग्रेस के कई नेता ही खुर्शीद के साथ खड़े नहीं दिखते। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। विवाद को तूल देते हुए राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस के नेता ऐसे फिजूल बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को कांग्रेस को घेरने के लिए मसाला देते हैं। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए। सलमान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ही गलत कहा है, एंड ही शुड से सॉरी। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, होशियार रहने की जरूरत है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अल्वी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। दिलचस्प ये कि सलमान खुर्शीद एक विवाद के आसरे अपनी किताब की पब्लिसिटी भले करा गए, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन का सच ये है कि 2014 के बाद से वो फर्रुखाबाद की अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और अब इस विवाद के जरिए कांग्रेस हिंदुओं के वोट खोएगी। अलबत्ता मुसलमानों के वोटों के अखिलेश और ओवैसी समेत इतने दावेदार हैं कि यूपी में कांग्रेस को इस विवाद का फायदा होता नहीं दिख रहा है। यूपी में 19% मुसलमान है जबकि हिंदुओं की आबादी 80% है। इस सच के बावजूद इसके बाद राहुल गांधी ने खुर्शीद का समर्थन कर हिंदू बहुसंख्यकों की नाराजगी मोल ले ली है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुसंख्यकों को खुद से दूर करने का फिदायीन कदम पहली बार नहीं उठाया है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत को हिंदुओं से खतरा है, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के खिलाफ विवादित बयान देने का इतिहास रहा है। पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई पर अड़ंगा डालती है।
दरअसल मणिशंकर अय्यर का 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला बताने जैसा बयान हो या गुजरात चुनाव से पहले मोदी को नीच कहना, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। लेकिन राहुल के तेवर देखकर संकेत यही है कि कांग्रेस ने पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।